फिल्म क्वीन को मिली जबरदस्त पॉपुलैरिटी, लेकिन इसी फिल्म के किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं नजर आएंगी कंगना। जी हाँ, कंगना रनौत ने अब किसी भी अवार्ड को अटेंड करने से मना कर दिया। कंगना रनौत क्वीन हो या फिर कोई और फिल्म, अब नहीं लेंगी अवार्ड। वेल, ऐसा ही कुछ आमिर खान भी करते आए हैं। तो ऐसे में अवार्ड्स ना अटेंड करके कंगना आमिर खान को फॉलो कर रही है। मिस्टर आमिर खान इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एंड इट्स नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू बी लाइक समवन, बट द थिंग दैट आई हैव सेड अबाउट अवार्ड्स एंड you know, it's just my personal choice. It's not that I'm following someone's footsteps. Okay, तो कंगना आप आमिर खान को फॉलो नहीं कर रही हैं, लेकिन रिसेंटली आमिर खान हर जगह आपकी तारीफ करते भी नजर आए थे, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप और आमिर खान जल्द ही एक फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं। Yes, we have spoken about it, but there is nothing concrete as yet. We do definitely like to work with each other, but I don't think as an actor that is the priority that actors have. You know, like I think our goals are to do things that excite us, and along the way, if we find that opportunity, it'll be great. But I don't think that's the priority, and that's my like immediate goal. चलिए आमिर खान के साथ तो आप जब नजर आएंगे तब नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप अपनी फिल्म रिवॉल्वर रानी को प्रमोट करते बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, इसकी कुछ खास वजह? Well, I think we've consciously decided that a film like Revolver Rani, which has been like Queen made on a small scale, you know, doesn't need a promotion of 8 weeks. So I think it's been a conscious decision to promote the film in like 2 to 3 weeks. Well, we hope कि जैसा फिल्म क्वीन ने आपको बॉलीवुड की रानी बना दिया, फिल्म रिवॉल्वर रानी भी कुछ ऐसा ही करे। For रोशनी दुबे, Zoom, Mumbai.